गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मेरुरज और ये दूसरा टॉपिक है। देखिए, मैंने आपको तंत्रिका तंत्र के प्रकार बताए थे, उससे बताया था, पहला बताया था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये मैंने आपको तीन प्रकार के तंत्रिका तंत्र बताए थे। उसमें से पहला आपको बताना शुरू किया था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। उसमें दो चीज़ें आती हैं, पहला मस्तिष्क जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, दूसरा ये टॉपिक है मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जब दोनों टॉपिक समाप्त हो जाएंगे तब समझ लीजिए आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र समाप्त हो गया है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो दूसरा टॉपिक है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, मेरुरज, रीढ़ की हड्डी जो होती है मेरुरज, ठीक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं मेरुरज। देखिए, जो पहले ये चित्र देख लेते हैं, ये मेरुरज का चित्र है। देखिए, इसमें जो इसका ये जो सुरंग है ये पृष्ठ सुरंग है। इसमें ये एच आकार, जो एच एच जैसा देख रहे हैं आप, ये एच जैसा बना हुआ है। तो ये एच आकार का जो होता है ये होता है धूसर द्रव्य। क्या होता है? धूसर द्रव्य। और इसके जो बाहर ये डैश डैश देख रहे हैं ये होता है श्वेत द्रव्य, ठीक। और ये हार्न जो है पृष्ठ हार्न है, और इसके बीच में जो छिद्र होता है इसे केंद्र की नाल बोलते हैं। इसके नीचे ये अधर फिसर है, और इसके चारों ओर जैसे जो लेयर मस्तिष्क पर होती हैं, जो झिल्लियाँ मस्तिष्क पर होती, मतलब जो मेम्ब्रेन मस्तिष्क पर पाई जाती हैं, वही मेम्ब्रेन इस मेरुरज्जु के चारों ओर भी पाई जाती हैं। और कितनी मेरुरज्जु होती हैं? तीन। वो मेरुरज्जु पर कितने जो मेम्ब्रेन होते हैं वो होती हैं तीन, ठीक। मेरुरज्जु पर कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? तीन। वही मेम्ब्रेन होती हैं जो मस्तिष्क पर होती हैं। और मैंने जब आपको मस्तिष्क बताया था तो उसमें बताया था कि कौन कौन सी होती हैं, अभी फिर से बता देंगे। तो ये आपका चित्र है, ये चित्र काहे का है? मानव की मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट। ये काहे का चित्र है? मानव की मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं मेरुरज्जु। देखिए, ध्यान समझना है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर। अब मेडुला ऑब्लॉन्गेटा क्या होता है? देखिए, जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में एक सबसे जो अंतिम भाग होता है, जो मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या बोलते हैं इसको? ये होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, एक जो छोटी नली टाइप की होती है इसको हम लोग मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। यह पश्च मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है। तो वही मेडुला ऑब्लांगेटा खोपड़ी के महारंध्र। देखिए, जो हम लोग खोपड़ी होती है, जैसे ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, और यहाँ पर क्या होता है? खोपड़ी का महारंध्र होता है। मतलब ये जो खोपड़ी होती है यहाँ पर का जो जो छिद्र होता है उसके बोलते हैं जो है महारंध्र, ठीक, खोपड़ी का महारंध्र। तो यहीं से ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ये निकलकर मेरुरज्जु के रूप में चला जाता है, ठीक। तो यही लिखा हुआ है कि मेडुला ऑब्लांगेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर कशेरुकाओं की तंत्रिका नाल से होता हुआ। यहां पर कौन सी होती? कशेरुकाएं होती हैं, रीढ़ की हड्डी, ठीक, कशेरुकाएं होती हैं। तो वही लिखा हुआ है कि मेडुला ऑब्लांगेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर कशेरुकाओं, इन कशेरुकाओं से, कशेरुकाओं की तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला रहता है। मतलब हमारे शरीर के निचले भाग तक फैला रहता है, जिसे रीढ़ रज्जु या मेरुरज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे जिसे रीढ़ रज्जु या मेरुरज्जु कहते हैं। तो आप समझ गए कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा, हमारे मस्तिष्क का जो अंतिम भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा, वो महारंध्र से निकलकर तंत्रिका नाल से होता हुआ शरीर के अंत भाग तक, मतलब जो पीठ होती है पीठ के अंतिम भाग तक फैला होता है, ठीक, जिसे क्या कहते हैं? रीढ़ रज्जु या मेरुरज्जु कहते हैं। रीढ़ की हड्डी आपने देखी होगी, पीछे महसूस की होगी कि रीढ़ की हड्डी कैसी होती है। तो वही आगे देखते हैं, यह लंबी, क्योंकि आप जानते हैं रीढ़ की हड्डी कैसी होती है, लंबी होती है। यह लंबी खोखली बिल्कुल पाइप जैसा होता है, जिसके अंदर जैसे वायरिंग होती है, जो वायर होते हैं, तार होते हैं बिजली वाले, उनके अंदर देखिए छोटे छोटे तार जैसे पड़े होते हैं और उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर होता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी है।
कि यह एक लंबी, जैसे तार लंबा होता है वैसे यह लंबी खोखली, जैसे तार खोखला होता है उसके अंदर जो है छोटे छोटे तार निकले रहते हैं, तो वही यह एक लंबी खोखली व बेलनाकार, जैसे तार होता है बेलनाकार वैसे ही, तो यह एक लंबी खोखली व बेलनाकार रचना है। रीढ़ की हड्डी जो मेरे रोज कैसी होती है, कैसी होती है, तो यह लंबी खोखली बेलनाकार रचना है। मस्तिष्क के समान ही इसके ऊपर वही तीन झिल्लियों का आवरण होता है, जैसे मस्तिष्क के ऊपर तीन झिल्लियों का आवरण होता है, वैसे ही मेरुरज पर भी कितनी, तीन झिल्लियों का आवरण होता है। और कौन कौन सी तीन झिल्लियां होती हैं आपको बता दें, जो तीन झिल्लियां होती हैं आपने एक खाद का सुना होगा, खाद का नाम, जो खेतों में खाद डाली जाती है, कौन सी खाद डाली जाती है, ये नाम सुना है आपने, डीएपी, डीएपी नाम सुना होगा, तो वही है कि इसमें वही तीन झिल्लियां होती हैं। हमने इसका शॉर्टकट बना दिया है कि कौन कौन सा, जैसे डायामीटर, क्या नाम होता है इसका, डायामीटर, क्या नाम है, डायामीटर, एरेक्नॉइड और पायामीटर, ठीक, डायामीटर, एरेक्नॉइड और पायामीटर, ठीक। तो ये तीन झिल्लियों का आवरण होता है, डायामीटर, एरेक्नॉइड और पायामीटर। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, ये तीन अक्षर हम याद रखेंगे तो उससे हमें याद रहेगा, तो वही तीन झिल्लियों का आवरण होता है। इसके बीच की गुहा में भी तरल भरा रहता है, जो इसके बीच की जो गुहा होती है उसमें भी क्या भरा रहता है, तरल भरा रहता है, परंतु इसका धूसर द्रव्य, कौन सा द्रव्य, धूसर द्रव्य, ये देखिए ये जो भरा हुआ है ये कौन सा द्रव्य है, धूसर द्रव्य है। इसका धूसर द्रव्य एच की आकृति का होता है, देखिए ये बड़ा सा एच दिखाई दे रहा है, तो यहां पर जो धूसर द्रव्य है ये कैसा है, एच की आकृति का दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसमें अंदर की ओर कौन सा है, धूसर द्रव्य है, और बाहर की ओर कौन सा है, श्वेत द्रव्य है। बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट हमारे मस्तिष्क में होता है, जो धूसर द्रव्य होगा वो बाहर की ओर होगा मस्तिष्क में, और जो श्वेत द्रव्य होता है वो अंदर की ओर होता है मस्तिष्क में, ठीक। तो ये है आपके मेरुरज्जु की संरचना, ठीक। तो इसमें जो धूसर द्रव्य है वो एच के आकार का होता है, तो ये आपके मेरुरज्जु की संरचना है। अब आते हैं मेरुरज्जु के कार्य पर। मेरुरज्जु का कार्य क्या है, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र है, मतलब हमारे में जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, मतलब जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, वो प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न होती हैं, मतलब मेरुरज्जु इसका प्रमुख केंद्र होता है। दूसरा, यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करती है, यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करती है, मतलब हमारे शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं चल रही होती हैं, जैसे फेफड़े हैं, हार्ट है, मतलब हार्ट तो अपना जो है खुद का सिस्टम होता है, किडनी है, और जो आमाशय की जो कर्माकुंचन गतियां हैं, मतलब जो इस टाइप की जो अनैच्छिक गतियां हैं उसका नियमन कौन करता है, अनैच्छिक गतियों को संतुलित कौन करता है, ये मेरुरज्जु भी कर सकता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अनैच्छिक गतियों केवल यही करेगा, मतलब अनैच्छिक गतियों को कंट्रोल करने का, मतलब उन पर संतुलित बनाए रखने का कार्य जो होता है वो मेरुरज्जु भी करता है। अगला, मेरुरज्जु मस्तिष्क को जाने तथा आने वाली प्रेरणाओं को मार्ग प्रदान करता है। हमने आपको बता दिया कि मेरुरज्जु क्या होता है, जैसे पाइप, जैसे वायरिंग होती है, पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का वायर डाला गया है, तो उसी प्रकार से जैसे वायरिंग की जाती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी क्या होता है, वायरिंग टाइप की होती है, काहे कि जो तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक, उसी वही वजह बताया गया है कि मेरुरज्जु मस्तिष्क को जाने वाली, ठीक, तथा आने वाली प्रेरणाओं को मार्ग प्रदान करता है। क्यों, क्योंकि ये एक, इसके अंदर तंत्रिकाओं का घना जाल होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का घना जाल होता है, तो उससे तंत्रिका जो संवेदना, जो प्रेरणा है वो हमारे मस्तिष्क पहुंच भी जाती है, और मस्तिष्क से वापस हमारे कार्यकारी अंग तक आ भी जाती है। तो इस प्रकार से ये मेरुरज्जु के कार्य थे। तो आपने मेरुरज्जु के विषय में, मेरुरज्जु के विषय में जाना और मेरुरज्जु के कार्य के विषय में जाना, ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को आपको बनाना है, अभ्यास करना है, क्योंकि जब आप प्रतिवर्ती क्रिया आगे पढ़ेंगे, जब आप प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ेंगे तब आपको यही फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।